वक्त की बड़ी खबर, क्रिकेट खेल के मैदान से इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है। दूसरे वनडे में टीम ऑस्ट्रेलिया को भारत ने बड़े अंतर से हराया। इंदौर वनडे मैच भारत ने जीत लिया है। दरअसल यहां भारत ने पहले शानदार बैटिंग की, भारत के ओपनर्स ने शतक बनाए और उसके बाद गेंदबाजों ने अपनी धार दिखाई और 2-0 से सीरीज पर कब्जा करते हुए भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। टीम इंडिया की यह शानदार जीत भारत विश्व कप से पहले इस वनडे सीरीज को जीत करके एक बड़े हौसले के साथ वर्ल्ड कप के उस फाइनल्स तक पहुंचकर वर्ल्ड कप उठाएगा, इस उम्मीद के साथ ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें हमने भारतीय ओपनर्स से लेकर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर्स से लेकर गेंदबाजों तक के शानदार प्रदर्शन हमने देखे। आज गेंदबाजी की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। इससे पहले जब भारतीय टीम बैटिंग के लिए उतरी तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को खूब धोया भारतीय बैट्समैन ने जबरदस्त तरीके से। हालांकि इंदौर के होलकर ग्राउंड पर जो मैच हुआ, पहले रन भर से, फिर बदरा भर से और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जीत को तरसे। 2-0 से भारतीय टीम ने ये सीरीज जीत ली है। हालांकि एक मैच और है, अगर टीम इंडिया इस मैच को जीत लेती है तो क्लीन स्वीप ये होगा। दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए मैच जीत लिया और इंदौर वासियों को एक बड़ी सौगात, भारत वासियों को एक बड़ी सौगात। आपको बता दें कि भारत ने जो पहला वनडे था वो भी बहुत शानदार तरीके से खेल का प्रदर्शन करते हुए जीता था और दूसरे वनडे मैच में भी भारत की शानदार जीत हुई है। 2-0 से सीरीज पर तो कब्जा कर ही लिया है भारतीय टीम ने और उम्मीद है कि अगले मैच में भारत एक और जीत के साथ क्लीन स्वीप कर सातवें से भी ऊपर कोई आसमान अगर होता है तो उस पर सवार होकर वर्ल्ड कप में जाए और पूरे अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ उस वर्ल्ड कप में अपनी छाप छोड़कर वर्ल्ड कप भारत को दिलाए। 1983 के बाद 2011 और उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप भी भारत में आए, ये उम्मीद हर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक की रहेगी। 2-0 से सीरीज पर भारतीय टीम ने कब्जा किया है और बैटिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो केएल राहुल बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। शुभमन गिल मानो नया सितारा भारतीय ब्रिगेड में बैटिंग में जुड़ गए हैं। हर मैच में कंसिस्टेंटली वो खेल रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस उनकी लगातार बनी हुई है और इस परफॉर्मेंस को देखते हुए कहा जा सकता है कि शुभमन गिल आने वाले वक्त में सचिन तेंदुलकर जैसे, विराट कोहली जैसे जो अच्छे स्टाइलिश खिलाड़ी हैं और सभी विधा वो जानते हैं बैटिंग की, उस स्तर पर वो जा रहे हैं। तो 99 रन से भारत ने मैच जीत लिया है और आपको बता दें कि भारत ने सीरीज पर कब्जा कर लिया। हालांकि कुछ एक नाटकीय मोड़ वहां पर जब बारिश हुई उसके बाद कुछ देखने को मिला, जिसमें कि टारगेट कम करके ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था बारिश के बाद, भारत ने उसे भी डिफेंड किया और इंदौर के वनडे मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। सीरीज पर 2-0 से कब्जा करके एक बार फिर से भारतीय क्रिकेटर्स ने यह दिखा दिया है कि आने वाला वर्ल्ड कप भारत का ही होगा, किसी और टीम की दावे